नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है। इसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 4 फंदा एक्स्ट्रा। ऐसे 8-8 फंदे हम गिने तो लास्ट में 4 फंदे आने चाहिए। 2 फंदे साइड के लिए, देखिए ये 2 फंदे साइड के लिए और 2 फंदे एज स्टिच के लिए। तो मैंने सिलाई में 36 फंदे डाले हैं, 36 स्टिचेस। ये 4 डिज़ाइन, 32 फंदे हुए, 2 फंदे साइड के और 2 फंदे एज स्टिच, टोटल 36 फंदे। तो डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझें। तो डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उन अपनी ओर करना है तो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करना है 6 फंदा सीधा। लास्ट में 3 फंदा बचेगा तो 2 फंदा उल्टा बुनेंगे और लास्ट फंदा सीधा। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 6 फंदा उल्टा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 6 फंदा उल्टा। लास्ट में 3 फंदा बचेगा तो 2 फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमने अपना दूसरा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और सामने से। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। अब उन दूसरी ओर 2 फंदे को दाहिनी सिलाई में चढ़ा लेंगे। अब देखिए 6 फंदों में से 2 फंदा हमने दाहिनी सिलाई में चढ़ा लिया। तीसरे चौथे फंदे को हम दूसरी सिलाई में ऐसे चढ़ा लेंगे। तो तीसरे चौथे फंदे को हमने दूसरी सिलाई में चढ़ा लिया। अब देखिए 5वें छठे फंदे को हम बाएं सिलाई से गिरा देंगे और पहले दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में ले लेंगे और 5वें छठे फंदे को दाहिनी सिलाई में। तो 5वें छठे फंदे को हमने दाहिनी सिलाई में ले लिया, पहले दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में ले लेंगे और इसे ऐसे क्रॉस कर लेंगे। अब इन दोनों के बीच में हम तीसरे चौथे फंदे को चढ़ा लेंगे। तो हमने तीसरे चौथे फंदे को बाएं सिलाई में चढ़ा लिया। अब वापस ये 5वें छठे फंदे को, जो जिसे हमने दाहिनी सिलाई में लिया था, वापस इसे बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे और इन 6 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए 6 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे। अब इन 6 फंदों को हमें नॉर्मली सीधा बुन लेना है। इन 6 फंदों में हमें कोई डिजाइन नहीं डालना है, इन्हें हमें नॉर्मली सीधा बुन लेना है।
अब उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा। अब देखिए, अब जो ये छह फंदे हैं इसमें डिजाइन पड़ेगा, तो उन दूसरी ओर करेंगे, पहले दूसरे फंदे को हम बाएं सिलाई में चढ़ा, पहले दूसरे फंदे को हम दाहिनी सिलाई में चढ़ा लेंगे, तीसरे चौथे फंदे को हम दूसरी सिलाई में चढ़ा लेंगे। अब इसे हम किनारे कर लेंगे। अब देखिए, पांचवे छठे फंदे को हम बाएं सिलाई से गिरा लेंगे और बाएं सिलाई में पहले दूसरे फंदे को उठा लेंगे। इसमें हमने पहले दूसरे फंदे को कर लिया और दाहिनी सिलाई में इस पांचवे छठे फंदे को हम उठा लेंगे। अब इसे ऐसे क्रॉस कर लेंगे। देखिए दोनों ये हमारे क्रॉस हो गए। अब इन दोनों फंदों के बीच में ये जो हमारे चार फंदे हैं, दो फंदे बाएं सिलाई में आ गए और दो फंदे दाहिनी सिलाई में आ गए, इन दोनों इन चारों फंदों के बीच में ये हम तीसरे और चौथे फंदे को, इन दो फंदों को हम इन चारों फंदों के बीच में कर देंगे। और अब जो दाहिने सिलाई में फंदा है वो भी हम बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे और इन छहों को हम सीधा बुन लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। अब उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। अब देखिए यहां पे हमने डिजाइन बनाया है, तो इस इन छह फंदों में हमें डिजाइन नहीं बनाना है, इसे हमें नॉर्मली सीधा बुन लेना है। तो यहां पे आपने देखा कि हम अल्टरनेट डिजाइन बना रहे हैं, पहले छह फंदों में हमने डिजाइन बनाया, तो नेक्स्ट छह फंदों में हमने डिजाइन नहीं बनाया, उसके बाद छह फंदों में बनाया, तो अगले छह फंदों में हमने डिजाइन नहीं बनाया, अल्टरनेट हम डिजाइन बना रहे हैं, एक बार बना रहे हैं, एक बार नहीं बना रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर नहीं बना रहे हैं। अब लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, तो उन्हें हम दो में दो को उल्टा बुन लेंगे और लास्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब चौथी लाइन में जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुन लेंगे। तो हमने चार लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिजाइन का पांचवा लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर छह फंदा सीधा, उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर छह फंदा सीधा। यानी इस लाइन में हमें कुछ भी नहीं करना है, जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे। सीधे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे और उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो पांचवी लाइन में हमें बस यही करना है। और छठी लाइन में भी सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिजाइन का सातवां लाइन और सामने से, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे छह फंदा सीधा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा। अब देखिए, पिछली बार में हमने तीसरी लाइन में यहाँ डिजाइन बनाया था और इस पोर्शन पे डिजाइन नहीं बनाया था, तो सातवीं लाइन में हम डिजाइन यहाँ पे बनाएंगे, जहाँ पे हमने डिजाइन नहीं बनाया था, अब की हमें वहीं पे डिजाइन बनाना है। तो पहले दूसरे फंदे को दाहिनी सिलाई में ले लेंगे, तीसरे चौथे फंदे को दूसरी सिलाई में ले लेंगे, पांचवे छठे फंदे को गिरा देंगे। अब पहले दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में, पांचवे छठे फंदे को दाहिनी सिलाई में ले लेंगे और
इसे ऐसे क्रॉस कर लेंगे। देखिए पांचवा छठा फंदा ऊपर की तरफ से आया है। अब इन दोनों के बीच में ये जो अब जो है हम बाएं सिलाई में इन दोनों फंदों को यानी जिसे तीसरे सिलाई पे हमने लिया है उसे चढ़ा देंगे। और अब दाहिनी सिलाई वाला फंदा भी बाएं सिलाई पे चढ़ा देंगे और इन छह फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो छह फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और ये बीच के दो फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पे हमने डिजाइन बनाया है यानी अब इस पोर्शन पे डिजाइन नहीं बनेगा यानी छह फंदे हम सीधा बुन लेंगे। बीच के दो फंदे इन्हें उल्टा बुनेंगे। अब देखिए अब इस पोर्शन पे डिजाइन बनेगा तो दो फंदे हम दाहिनी सिलाई में चढ़ा लेंगे, फिर दो फंदे हम दूसरी सिलाई में ले लेंगे, बीच के दो फंदे हम दूसरी सिलाई में ले लेंगे और पांचवें छठे फंदे को हम गिरा लेंगे। अब पहले दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में ले लेंगे और पांचवें छठे फंदे को दाहिनी सिलाई में। और इसे ऐसे क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए ये पांचवा छठा फंदा ऐसे ऊपर से जा रहा है। अब इन दोनों के बीच में हम इस तीसरे और चौथे फंदे को चढ़ा लेंगे और बाएं सिलाई पे ही दाहिनी सिलाई वाला फंदा भी चढ़ा लेंगे और इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये छह फंदे हम सीधा बुन लेंगे। लास्ट के तीन फंदों में दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। नाइन्थ रो में हम अपने फर्स्ट रो को दोहराएंगे यानी कि पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर छह फंदा सीधा, उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर छह फंदा सीधा। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। दो फंदा उल्टा, छह फंदा सीधा। रॉन्ग साइड में जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा, जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुन लेंगे। ग्यारहवां लाइन और सामने से ग्यारहवें लाइन में हम अपने तीसरे लाइन को दोहराएंगे यानी पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा उल्टा। और अब यहाँ पे डिजाइन पड़ेगा तो उन दूसरी ओर करेंगे, पहले दूसरे फंदे को दाहिनी सिलाई में चढ़ा देंगे, तीसरे चौथे फंदे को दूसरी सिलाई में ले लेंगे, ये हमारी तीसरी सिलाई में ले लेंगे और ये सात पांचवें छठे फंदे को गिरा देंगे, पहले दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में, पांचवें छठे फंदे को दाहिनी सिलाई में। क्रॉस करेंगे और इन दोनों के बीच में इस तीसरे चौथे फंदे को बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे। और अब दाहिनी सिलाई वाला फंदा भी बाएं सिलाई पे चढ़ा देंगे और इन छह फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये फंदा घुमा हुआ नहीं होना चाहिए, ये आप देख लीजिएगा, इसे सीधा कर लीजिएगा। वैसे भी ये सीधा ही रहेगा, अगर आप ठीक से चढ़ाएंगे तो ये सीधा ही रहेगा। तो छह फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा। अब देखिए
यहाँ पे ये डिज़ाइन पिछली बार यहाँ डिज़ाइन बना था, यानी अब की यहाँ डिज़ाइन नहीं बनेगा, उन दूसरी ओर करेंगे। इन छह फंदों को हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। फिर दो फंदा उल्टा और फिर देखिए अब यहाँ पे डिज़ाइन पड़ेगा, तो उन दूसरी ओर दो फंदे को दाहिनी सिलाई में, फिर तीसरे चौथे फंदे को तीसरी सिलाई में, पांचवे छठे फंदे को गिराएंगे, पहले दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में ले लेंगे और पांचवे छठे फंदे को दाहिनी सिलाई में, इसे ऐसे क्रॉस करेंगे और इन दोनों के बीच में तीसरे और चौथे फंदे को चढ़ा लेंगे और छह फंदों को सीधा बुन लेंगे। अपनी ओर दो फंदा उल्टा और देखिए यहाँ डिज़ाइन बना था, तो अब की डिज़ाइन नहीं बनेगा, तो इन छह फंदों को हम सीधा बुन लेंगे लास्ट में। तीन फंदा है तो दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। तो अब आपको डिज़ाइन स्पष्ट हो गया होगा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपको स्पष्ट हो गया होगा। आठ लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। एक बार जहाँ यहाँ डिज़ाइन बन रहा है तो अगले में डिज़ाइन नहीं बन रहा है, यानी हम अल्टरनेट बना रहे हैं। तो देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।